जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल में आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। आज मेष राशि वाले आपको व्यर्थ धन के व्यय के योग संकेत बन सकते हैं। दूसरी राशि है वृख। वृख राशि वाले आपके लिए स्थानांतरण के योग एवं स्त्री कष्ट की स्थितियां किसी बात को लेकर के हो सकती हैं। भगवान शिव की आराधना करना या चंद्रमा के वैदिक या बीज मंत्र का जप करना श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले आपको आज वाहन आदि से कष्ट हो सकता है। आपके लिए आज चतुर्थ चंद्रमा भी है, इसलिए आप सचेत और सतर्क रहें। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए आपके लिए अपने सूर्य को प्रबल करना है, नौकरी जैसी स्थितियों को 2024 में बनाना है। भगवान सूर्य की आराधना करें, माणिक रत्न पहने। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति आज आप कहीं घूमने के योग बन सकता है या जा सकते हो, ऐसी स्थिति आपके मन में आ सकती है, घर परिवार से सहयोग भी प्राप्त होगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग आपको आज के दिन बन रहे हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति भूमि वाद विवाद यदि चला आ रहा वह समाप्त हो सकता है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति एवं धनु लग्न वाले व्यक्तियों को आपको आज के दिन कुछ विशेष सफलता हाथ लग सकती है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति आप कोई जमीन जायदाद का बयाना दे सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, घर में स्वास्थ्य आपका उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति आपको चाहिए कि आप श्री हनुमान जी की आराधना करना, ओम हम हनुमते नमः और नीलम रत धारण करना श्रेष्ठ उत्तम कारक रहेगा। मछलियों के लिए चावल डालना या आटे की गोली बना करके चुगाना श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति आज आप धर्म के प्रति विशेष रुचि रहेगी एवं आज आप किसी घर परिवार के दायित्व को निभा सकते हैं, अथवा आज आप कोई आपके हाथ से मांगलिक शुभ कार्य भी हो सकता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीतामरा, जय माँ वृंदवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।